नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सुत अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 8 का दिनांक 1 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन, यानी एक नया चैप्टर है आपके बुक का बीजीय व्यंजक। अरुण, कल हमारी गणित शिक्षिका ने बीजीय व्यंजक के बारे में बताया। सोनी, क्या तुम मुझे फिर से इससे बताओगी, क्योंकि मैं कल अनुपस्थित था। महोदया ने समझाया कि चर वे राशियां होती हैं जो विभिन्न मान ले सकती हैं। क्या चर संख्याओं से भिन्न हैं, हम उनको किस प्रकार दर्शाते हैं? देखिए, सोनी और अरुण के बीच जो बातचीत है, अरुण सोनी कह रहे, अरुण यस्टरडे आवर मैथ टीचर इंट्रोड्यूस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सोनी, विल यू एक्सप्लेन मी अगेन, आज आई वॉज एबसेंट यस्टरडे। मैम एक्सप्लेन दैट वेरिएबल्स आर द क्वान्टिटीज दैट कैन बी टेक डिफरेंट वैल्यूज। अब ये वेरिएबल शब्द आ गया, चर आ गया। द आर वेरिएबल डिफरेंट फ्रॉम नंबर्स, ये नंबर्स अलग है, हाउ डू यू रिप्रेजेंट? तो बोला जी, वेरिएबल आर नंबर्स ऑल्दो देयर वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स्ड नहीं होता है, एनी अल्फाबेट मे बी यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल्स, दैट इज एक्स पी एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स। अर्थात चर भी संख्या ही है, लेकिन उसके मान निश्चित नहीं होते। चरों को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग करते हैं, एक्स पी ये सब होता है। बहुत खूब, इसका अर्थ है कि हम एल एम एन एक्स वाई किसी भी अक्षरों से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे देखिए, एक सिचुएशन समझिए। एक दुकान पे आप गए तो 50 रुपये लेकर के गए, ये रुपीज 50 रुपये था। उसने 1 किलो चीनी और 10 रुपये दिया, 10 रुपये और 1 किलो चीनी। तो चीनी का हम प्राइस मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 10 हो गए। और वही 50 रुपये लेकर के दूसरे दुकान में गए, तो ये 50 रुपये लेकर के गए और दूसरे ने आपको 1 किलो चीनी और प्लस 12 रुपये दिए। तो यहाँ पे चीनी का दाम कुछ और था, यहाँ पे दाम कुछ और है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, और तो ये वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, यानी बदलने वाला, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। चीनी का दाम हमने मान लीजिए जो कि यहाँ पे जो रखा है, यहाँ पे कुछ और हो गया। और ये और ये और ये जो है, ये फिक्स है, ये कहलाते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। अचर पर, अचर वे राशियाँ होती है जिनका संख्यात्मक मान निश्चित होता है। उदाहरण में जैसे 4, 100, -17। कह रहा, मुझे समझाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब बीजीय व्यंजक को देखिए, कह रहा, हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजक बनाते हैं। इसके लिए हम जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स टू मेक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर दिस वी यूज द ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल 5a, यानी a को 5 से गुणा किया है तो 5a, 3x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8, etc. आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कह रहे हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसको कहते हैं पद, बीजीय व्यंजक, एक व्यंजक के पद, एक व्यंजक के भाग जो एक दूसरे से प्लस या माइनस से पृथक, यानी अलग अलग हो सकते हैं, उसे व्यंजक के पद कहते हैं। अर्थात टर्म्स ऑफ एन एग्जाम एक्सप्रेशन, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस, वी कॉल द इट्स टर्म्स। जैसे देखिए, यहाँ पे 3x प्लस वाई, तो एक ये है और एक ये है, दोनों को ये कनेक्ट करने वाला है, कनेक्टर है, जोड़ने वाला। तो ये टर्म कहलाएगा, ये भी टर्म कहलाएगा, और ये कनेक्टिंग, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो प्लस या माइनस मिलकर के दो टर्म को, दो पदों को जोड़ या घटा करते, तो ये जो है अलग अलग पद कहलाएंगे। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है जो कि 5a, जो ये था 5a हैज़ वन टर्म्स, इसमें एक पद है। वेयर 5 एंड a आर मल्टीप्लाइड टू गेट 5a, 5 को a के साथ गुणा किया गया है जो कि 5a प्राप्त हुआ है। इसी तरह दूसरा कह रहा है 4x प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे सेपरेट करने पे दो टर्म्स प्राप्त होते हैं, एक तो 5, 4x प्लस 5।
द टर्म्स 4x एंड 5 आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन 4x प्लस 5। सिमिलरली 4x स्क्वायर माइनस 3x वाई में देखिए माइनस एक दो टर्म को जोड़ने वाला एक कनेक्टर है, तो इसमें भी दो टर्म हैज टू टर्म्स 4x स्क्वायर और माइनस 3xy। द टर्म 4x एंड माइनस 3xy आर एडेड टू गिव द एक्सप्रेशन दिस। टर्म्स को हिंदी में पद कहते हैं। अब फैक्टर ऑफ अ टर्म यानी टर्म का गुणांक। वी शो अबव दैट द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 3xy कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स 4x स्क्वायर एंड माइनस 3xy। द 4x स्क्वायर में नंबर कौन सा है, देखिए 4 नंबर है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 x एंड x, और x दो बार है तो x और x, तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। यानी इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 4x स्क्वायर तो इसको हम लिखते हैं 4, और जिसका स्क्वायर लिखा होगा इसको उसी से मल्टीप्लाई करते, तो यानी ये सब इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो आर द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर, तो 4x और x आर द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर। अ टर्म, अब जैसे हिंदी में इसको कहते हैं हम, एक पद का गुणनखंड, हमने देखा कि ऊपर व्यंजक में 4x स्क्वायर माइनस 3xy में दो पद है 4x स्क्वायर और माइनस 3xy, तो 4x स्क्वायर को हमने 4x इंटू एक्स के रूप में लिखा, तो 4x और x जो है वो उसका 4x स्क्वायर का गुणनफल है। हम कह सकते हैं जो 4x स्क्वायर में 4x और x एक गुणनखंड है। एक पद अपने गुणनखंडों को का एक एकल गुणनफल होता है, जैसे माइनस 3xy में गुणनखंडों माइनस 3x और y का एकल गुणनखंड है। यदि गुणांक, यदि किसी पद या संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणात्मक कहलाता है, यानी ये तो गुणनखंड हो गया। अब 5a में पूछ रहा है a का गुणनखंड, तो a को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 5, तो 5 उसका गुणांक है। अब इसमें पूछ रहा है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर वाला टर्म तो ये है, और इसमें x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 5, तो x स्क्वायर का गुणांक 5 है और y का गुणांक माइनस 3 है। आइए स्वयं प्रयास कीजिए, के तहत आपसे कुछ सवाल कह रहा है एक्स क्यूब का गुणांक लिखे। तो पहला पद तो आप में इसमें देखिए, पहले में एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर है, 5x क्यूब है, और इसमें क्या लगा हुआ है 5, तो एक्स क्यूब का गुणांक 5 है। इसी तरह दूसरा इसमें पूछ रहा है, जो कि यहाँ भी देखिए तो एक ही पद है एक्स क्यूब वाला, तो ये माइनस 3x क्यूब है, और इसमें एक्स क्यूब को छोड़ दीजिए, यह है ये माइनस 3 हो गया, तो लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इजकल टू माइनस 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद एक ही है, तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट या गुणांक, अब यहाँ पे तो उसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 है। यह था आज का वर्कशीट। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे देखें। क्वेश्चन ऑफ द डे में कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद पहचानिए जो अचर नहीं है, उनके गुणांक भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये पद दिए हुए हैं, ये अलग अलग करके लिख दिया गया है, तो इसमें अचर तो कॉन्स्टेंट टर्म तो ये था, इसको छोड़ करके माइनस वाई और वाई स्क्वायर, तो इसका कोफिशियंट माइनस 1 और 5 हो गया। इसमें एक ही है, तो एक्स वाई का कोफिशियंट कुछ, इसमें जो कोफिशियंट यानी गुणांक, ये तो अचर पद है, अचर पद के साथ क्या मल्टीपल है, तो कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या है माइनस वाई स्क्वायर, एक ही पद है, तो माइनस वाई स्क्वायर में मल्टीपल क्या है, किसका वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है माइनस 1। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक तो 4p स्क्वायर क्यू और दूसरा है माइनस 3p क्यू स्क्वायर। अब 4p क्यू स्क्वायर में तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़ करके जो गुणांक है 4 है, और इसमें वेरिएबल को छोड़ करके माइनस 3 है, तो ये होगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।